नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है 60 दिनों के अंदर अंदर आने की 5.45 लाख लाभार्थियों को आवास देने का फैसला जो यहां पर लिया गया है, जो अभियान चलाकर यहां पर नए लाभार्थियों को दिया जा रहा है। जैसे में आप लोग को पता है कि 2021-22 में 11 लाख नए लाभार्थियों को आवास देने का निर्णय जो यहाँ पर लिया गया है। तो फाइनली जो यहाँ पर 60 दिनों के अंदर अंदर जो यह फैसला लिया गया है कि 5.45 लाख लाभार्थियों को जो यहां पर 60 दिनों के अंदर जो है आवास दिया जाए। स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग को विस्तार से मैं बता रहा हूं। अगर आप लोग का अभी तक जो है आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, आवास योजना नहीं मिला है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, लक्ष्य 60 दिनों में 5.45 लाख आवास निर्माण का, 48 दिनों में बने 70,000। आने की जो यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था, फैसला लिया गया था कि 60 दिनों के अंदर जो है 5,45,000 लाभार्थियों को यहाँ पर आवास निर्माण का कार्य जो है पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 48 दिन हो चुके हैं, लेकिन 48 दिन के अंदर जो है 70,000 लाभार्थियों को यहाँ पर आवास का निर्माण पूरे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पिछले 48 दिनों में 70,000 अधूरे आवास बनकर तैयार हुए हैं, जबकि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 60 दिनों में 5.45 लाख आवास का निर्माण पूरा करना है। इस तरह देखें तो शेष 12 दिनों में निर्माण लक्ष्य को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है, यानी कि अब 12 दिन जो है शेष बचे हुए हैं। साफ साफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर अक्टूबर और नवम्बर 2021 में अभियान लाकर सभी लंबित आवासों को पूर्ण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन 100% पूर्णता की शुरुआत जो यहां पर की है। विभाग की ओर से 1 अक्टूबर 2021 को सभी जिलों में मिशन के तहत लंबित आवासों को पूरा कराने का निर्देश दिया गया था। इसको लेकर जिला अधिकारियों और उप विकास आयुक्तों की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जो भी यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है, ये जो है जिला अधिकारी एवं उप विकास आयुक्तों को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलों से 18 नवंबर तक विभाग को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार करीब 70,000 नए आवास पूरे हुए हैं, यानी कि जिलों को जब यहाँ पर रिपोर्ट दी गई थी यहाँ पर 18 नवंबर तक, तो पता चला कि यहाँ पर 70,000 नए आवास जो है पूरे हुए हैं। शुरू से अब तक की प्रक्रिया पर नज़र जो है दोहराए तो बिहार में उक्त योजना के तहत वर्ष 2016-17 वर्ष 2020-21 तक 26,76,385 लाभुकों को प्रथम किस्त की सहायता दी गई है। ये समस्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जैसे मैं आप लोगों को पता है अभी कि बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है अभी पंचायत चुनाव जो है चल रहा है। अब जैसे मैं देख सकते पंचायत चुनाव के बाद कार्य में आएगी तेजी, यहाँ पर देख सकते ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण आवास निर्माण योजना में शिथिलता आई है, चुनाव संपन्न होने के बाद तेजी से लंबित आवासों का जो है निर्माण कार्य को पूरा कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक तरह पहले से इस विकृत जो है आवास के निर्माण में तेजी आएगी, वही चुनाव में लगी आचार संहिता के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नए आवासों की इस विकृति रुकी हुई है। चुनाव बाद इन नए 11,49,000 यहाँ पर आवासों की इस विकृति देकर इनकी निर्माण भी कराया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि जो भी पहले से लंबित आवास है पुराने वाले, उसको यहाँ पर निर्माण जो है यहाँ पर कराया जाएगा, यानी कि पूरा कार्य जो है यहाँ पर कराया जाएगा। और जो भी यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में यहाँ पर नए जो है यहाँ पर फैसला लिया गया है 11.49 लाख नए लाभार्थियों को दिए जाने के, तो यहाँ पर जो है चुनाव संपन्न होते ही इसका, यानी कि पहले पुराना वाला एवं नया वाला दोनों का जो यहाँ पर कार्य जो यहाँ पर और तेजी से जो यहाँ पर किया जाएगा। अभी की बात करें तो 60 दिनों के अंदर 5.45 लाख आवासों को निर्माण पूरा करना था, लेकिन 48 दिन हो गए, 70,000 आवास का निर्माण जो यहाँ पर पूरा हुए है। तो यहाँ पर जो है चुनाव संपन्न पंचायत चुनाव के बाद जो है ये दोनों काम को किया जाएगा, नए एवं पुराने वाले जो भी लंबित पड़े हुए हैं। अगर आप लोग का लिस्ट में नाम नहीं है, अगर आप लिस्ट में नाम ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ऑनलाइन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस पर मैं वीडियो बनाकर आप लोग के बीच प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग आसानी से देखकर आप लोग लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग को चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।